उनमें से अगर एक नाम का मुझे इंतखाब करना हो तो अब मैं हिंदी डाइस के एक ऐसे सफल हस्ताक्षर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिनका कमाल यह है कि वो श्रृंगार या करुण रस के अलावा भी हिंदी की सभी विधाओं में अपनी कविताओं और रचनाओं को समेट कर सादगी के पैकर में अगर पेश करेंगे तो वो श्री राजेंद्र राजन का कलाम बन जाएगा। उनकी कविताएं हमारे इस कवि सम्मेलन के गौरव में इजाफा करेंगी, गौरव में वृद्धि करेंगी। मैं श्री राजेंद्र राजन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। उनकी कविताओं और रचनाओं के साथ हमारा कवि सम्मेलन और मुशायरा कामयाबी की मंजिलों की तरफ चलेगा। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। यह मुशायरा कवि सम्मेलन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, इसे कामयाब बना रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ पंक्तियां आपके सामने गीत से पहले पढ़ना चाहता हूं। गीतकार के रूप में मेरा परिचय दिया गया है। ये पंक्तियां आप संभाल लें तो मेरा आगे पढ़ने का हौसला बढ़े। जी भाई। कि तेरी यादें गुलाब की मैंने, वाह तेरी यादें गुलाब की मैंने, शायरी भी शराब की मैंने। वाह। अगली दो पंक्तियां सुने कि जिंदगी तेरी रोशनी के लिए, जिंदगी तेरी रोशनी के लिए, तेरी रोशनी के लिए कितनी रातें खराब की मैंने, कितनी रातें। और चार पंक्तियां और देखें। जी जी। इन अंधेरों से डर नहीं सकती, खुश्क पत्तों से झर नहीं सकती, जिस्म मरने की बात करता है, जिस्म मरने की बात करता है, मैं तमन्ना हूँ मर नहीं, मैं तमन्ना हूँ मर नहीं सकती। क्या कहना। और चार पंक्तियां और देखें आप। ऐ वाले के नाम ही करता हूँ। जी हाँ सुनिए। पढ़िए। न ये अंधेरे मुझे निगलते जो चांद भू पर उतार लेता, वाह वाह। न ये अंधेरे क्या कहना? मुझे निगलते जो चांद भू पर उतार लेता, वाह। जो था बिछड़ना वहां बिछड़ते, जहां मैं खुद को पुकार लेता, वाह वाह वाह। जो पास रहकर भी दूर थे हम, कहीं समर्पण में कुछ कमी थी, क्या कहना। जो पास रहकर भी दूर थे हम, कहीं समर्पण में कुछ कमी थी, तुम अपना चेहरा निखार लेते, मैं आईने को सवार लेता, वाह वाह वाह। तुम अपना चेहरा निखार ले। और हम सबकी सच्चाई क्या है जी? आपके आसपास में पहुंच रहा हूं धीरे धीरे, और आपको एक बहुत अच्छा सा गीत सुनाकर मैं जाने का मन है। उससे पहले कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूं कि मैं गीत गजलों को गुनगुना कर क्या कहना तुम्हारी यादें भुला रहा हूँ। मैं गीत गजलों को मैं गीत गजलों को गुनगुना कर क्या कहना तुम्हारी यादें भुला रहा हूँ। शहर में हो अजनबी के जैसे किसी तरह दिन बिता रहा हूँ, घने अंधेरों
बीच गिरकर यूं मन रही है मेरी दिवाली, घने अंधेरों के बीच गिरकर यूं मन रही है मेरी दिवाली। वाह वाह, वो जितनी कसमें थी खाई हमने, मैं उतने दीपक जला रहा। वाह, वो जितनी कसमें थी खाई हमने, मैं उतने दीपक जला रहा और धीरे धीरे अपनी पंक्तियों की ओर आते हुए कि बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, तुझसे मिलने की खातिर संन्यास लिए फिरता हूँ, मुझको तुझसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, मुझको तुझसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, फिर भी तुझको पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ, फिर भी तुझको पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ। और चार पंक्तियां और देखें, प्यार के नाम पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज के इस दौर में प्यार में क्या परिवर्तन हुआ है जी, और उसको देखकर मुझे चार पंक्तियां कहनी पड़ी। ये पंक्तियां आप अपने साथ ले जाएं, मुझे अच्छा लगेगा आप तक पहुंच जाएं ये पंक्तियां, कि सपनों सी दुनिया सुख का संसार कभी मत कहना। वाह, सपनों सी दुनिया सुख का संसार कभी मत कहना, अब कसमों को जीवन का आधार कभी मत कहना, जिस रिश्ते का मकसद केवल पाना ही पाना हो, जिस रिश्ते का मकसद केवल पाना ही पाना हो, कुछ भी कहना उस रिश्ते को प्यार कभी मत कहना, कुछ भी कहना उस रिश्ते को प्यार कभी मत कहना। वाह वाह, और श्रृंगार का अभी तक कोई गीत इस मन से नहीं हुआ है। आप बहुत कहते रहे, बहुत निवेदन करते रहे भाई मेरे छोटे। असल में राजेंद्र राजन जी, आपसे श्रृंगार का एक बहुत खूबसूरत सा गीत हमें सुनना था, इसीलिए हमने आपको सौंदर्य के बहुत करीब बिठाया था ताकि वहां से आप असर लेकर आए और श्रृंगार का बहुत खूबसूरत सा गीत आप हमारे बीच में पढ़े। तालियां आपकी कमजोर है, जरा सा तालियां बढ़ा दीजिए ताकि राजेंद्र राजन जी का मन बन जाए और ये खूबसूरत सा गीत आपको पढ़े। ये आदमी की प्रवृत्ति होती है वास्तव में, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं नदीम भाई, लेकिन लेकिन ध्यान वहां पर है कि मैं बैठा कहाँ हूँ, तो मैं आगे के लिए कहता हूँ कि अपने संचालन पर ध्यान दें, कौन आदमी अपने समीकरण से कहाँ बैठा हुआ है इसको छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं भी अच्छे से पढ़ पाऊंगा। एक गीत आपको सौंपता हूँ जो मेरे बहुत प्रिय गीतों में से एक गीत है जी, और उसकी पंक्तियां बहुत दिनों तक आप गुनगुनाते रहेंगे मेरा विश्वास है। गीत सुनिए। स्वागत है भाई। मैं लिपट कर तुम्हें स्वप्न के गांव की, मैं लिपट कर तुम्हें स्वप्न के गांव की, एक नदी में नहाता रहा कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे, क्या कहना, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे, मैं कहानी सुनाता रहा तुम्हें, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे। मामूली सी एक घटना कितना बड़ा रूप ले लेती है। श्रृंगार की स्थिति में देखें, पंक्तियां सुने, स्वागत और आनंद लें इन पंक्तियों को, कि मैंने छू भर दिया क्या गजब हो गया, मैंने छू मैंने छू
मखमली जिस्म से उठ रहा था धुआं, मैंने चूं भर दिया क्या गजब हो गया। मखमली जिस्म से उठ रहा था धुआं, मन लगा तोड़ने तब सभी साकले, एक परिंदे को जो मिल गया आसमां, हो गया वृद्ध लाचार संयम विकल, हो गया वृद्ध लाचार संयम विकल, चीख कर चरमराता कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे। एक समीकरण जिसके बारे में आपने बहुत सुना, एक और एक ग्यारह, एक और एक दो, लेकिन श्रृंखार की स्थिति में समीकरण बदल जाती है, परिभाषाएं बदल जाती हैं। पंक्तियां सुने कि दो इकाई इकाई गुणा हो गई, दो इकाई दो इकाई इकाई धीरे धीरे निलंबित हुई दूरियां, एक भी मेघ आकाश में था नहीं, किंतु महसूस होती रही बिजलियां, थी अंधेरों भरी रात छाई मगर, क्या कहना, थी अंधेरों भरी रात छाई मगर, मैं दिवाली मनाता रहा रात भर, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे। और मैंने कहा था परिभाषाएं बदल जाती हैं। अंतिम बंद गीत का आप सुने स्वागत, के एक अपराध भी तपसरीखा हुआ, एक अपराध भी, अपराध भी तपसरीखा हुआ, बंध गए हम किसी साज के तार से, वाह वाह वाह, दस दिशाएं पड़े गीत गाती रही, शब्द झरते रहे आंख के द्वार से, था अजब मद भरा एक वातावरण, था अजब मद भरा एक वातावरण, मैं स्वयं को बताता रहा रात भर, कोई था भी। वाह वाह वाह। साथियों, श्री राजेंद्र आपके इस खूबसूरत से कवि सम्मेलन और मुशायरे की महफिल में अपनी रचनाओं के साथ और एक बहुत खूबसूरत से श्रृंगार के गीत के साथ, ये धरती में इसको प्रणाम करता हूँ। और मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, गीत आप इतने मनोयोग से सुनते हैं, और मैं वास्तव में जो आज तक का मेरा सबसे प्रिय गीत मुझे लगता है वो गीत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपका थोड़ा धैर्य कि मैं कामना जरूर करता हूँ। और इस गीत की लाज आपके हाथों में है, गीत की स्थिति वास्तव में कोई समुद्र वाली नहीं होती जिसमें लहरें होती हैं, गीत की स्थिति एक सरोवर की स्थिति होती है जिसके किनारे बैठकर आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं जी भाई। उसमें मामूली सी कंकड़ी व्यवधान की हो तो पूरा चित्र छिन्न भिन्न हो सकता है, इस बात का केवल ध्यान रखें। और मैं बहुत मधुर सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सब मंच में मैं अपने सभी मित्रों का आदेश चाहता हूँ, गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। तुम्हारे ही सिरहाने कुछ रखे हैं गीत भी मेरे, तुम्हारे ही सिरहाने कुछ रखे हैं गीत भी मेरे, उन्हें मत गुनगुनाना तुम कहीं ना नींद खो जाए, तुम्हारे ही सिरहाने कुछ रखे हैं गीत भी मेरे, उन्हें मत गुनगुनाना।
हर एक पल हार कर भी रोज बाजी खेलते रहना। क्या कहना? हर एक पल हार कर भी रोज बाजी खेलते रहना, तुम्हारे वास्ते दिन भर झमेले झेलते रहना। के संध्या आएगी तो कसम सा कर चूर लोगी तुम, अधर तो मौन होंगे पर नयन से कुछ कहोगी तुम, नयन से कुछ कहोगी तुम, तुम्हारी देहरी पर आहा कुछ पुराने मोड़ रखे हैं। क्या कहना? तुम्हारी देहरी पर कुछ पुराने मोड़ रखे हैं, उन्हें मत ढूंढना रास्ता न ये दुश्वार हो जाए, तुम्हारे ही सिरहाने। क्या कहना? क्या रखे हैं गीत भी मेरे। और पंक्तियां देखें जी, ये सारे फूल भी तो अब दिशाओं को समझते हैं, ये सारे फूल भी तो अब दिशाओं को समझते हैं, ये मेरी सिमत मुरझाते तुम्हारी सिमत हंसते हैं, ये क्या समझेंगे कश्ती का भार में डूबना तिरना, किसी पर्वत का झरनों के बहाने टूट कर गिरना, बहाने टूट कर गिरना। मैं वो पल हूँ कि पूरी उम्र ही जिसमें समाई है, मैं वो पल हूँ कि पूरी उम्र ही जिसमें समाई है, मुझे मत सोचना तुमको न मुझसे प्यार हो जाए, तुम्हारे ही सिरहाने कुछ रखे हैं गीत भी मेरे, उन्हें मत गुनगुनाना तुम कहीं ना नींद खो जाए, तुम्हारे ही सिरहाने। वाह वाह वाह।